तो आज की फास्ट लेन जो की थी उसमें काफी काफी ज्यादा मिस्टेक्स थी, जो कि मैं मैचेस के बारे में नॉर्मल जो कि सिंपल मिस्टेक्स होते हैं इनके बारे में नहीं बात करूंगा, बट इस बार मेन प्रोडक्शन कॉस्ट में यानी कि प्रोडक्शन ओवरऑल जितना भी था उसमें काफी काफी ज्यादा बड़ी बड़ी मिस्टेक्स आई थी जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना फेंड हुए आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन। चलिए वीडियो में चलते हैं। यही इशू था कि WWE के पास जो की थी वो स्क्रिप्ट ही नहीं थी मैचेस की। कैसे हुआ था कि WWE को जो की किसी ने फेकली बताया था, फेक WWE के रिपोर्टर ने न्यूज ला के दे दी कि जो की WWE के जितने भी आने वाले स्क्रिप्ट हैं यानी कि जो की आज शो होने वाला है उसकी स्क्रिप्ट जो की है वो लीक हो चुकी है, जिस वजह से कि लास्ट मोमेंट पर है जो सब कुछ WWE के राइटर्स ने लिखा, जिस वजह से कि जो कि ऑर्डर्स थे ना उसी में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी WWE को, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे हमें पता है बॉबी रोड वाला मैच जो कि था वो जल्दी हो गया, बॉबी रोड वर्सेस रैंडी ओटन वाला, उसी के साथ अगर हम बात करें तो शिंसुके नाकामुरा वर्सेस जो कि मैच था रूसी वाला वो ऑलमोस्ट मेन इवेंट में जाने वाला था यानी कि उसके आसपास होने वाला था, बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं बिकॉज WWE के पास जो की थी वो स्क्रिप्ट ही नहीं थी प्रॉपरली, जिस वजह से कि काफी ज्यादा ऊपर नीचे हुआ। उसके बाद जो कि हम नेक्स्ट चीज के बारे में बात करें, जैसे कि सबसे ज्यादा मिस्टेक्स मेरे हिसाब से अगर एक मैच में हुई तो वो था न्यू डे वर्सेस उसोस वाले में। तो एक्चुअली उस मैच में क्या था, काफी ज्यादा फाइट भी अच्छी नहीं हो रही थी, जो कि लग ही रहा था कि इतनी क्रिएटिविटी से फाइटिंग जो कि वो डिजाइन नहीं की गई। उसी के बाद अगर हम बात करें रेसलर्स ने भी इतने अच्छे तरीके से नहीं संभाला। उसके बाद जबकि एरिक रोवन और वर्सेस यानी कि एरिक रोवन के साथ जबकि लूक हार्पर दोनों आते हैं तो वो जो कि हथौड़ा लेकर आते हैं, पहली बात वो हथौड़ा बहुत ज्यादा फेक होता है मेरे हिसाब से, वो लक्कड़ से ज्यादा नहीं है बिकॉज जब वो जेई यूसो पे स्टील स्टेप से वो हथौड़ा लगता है यानी कि कनेक्ट करता है तब के टाइम पर जो है स्टील स्टेप्स को बिल्कुल हल्का सा डैमेज होता है, और अगर सही में वो इतना बड़ा लोहे का हथौड़ा होता तो मेरे हिसाब से वो स्टील स्टेप्स तो टूट ही जाते या फिर बहुत दूर जाते, बट ऐसा हुआ नहीं इस वजह से कि वो बिल्कुल ज्यादा फेक था। वो पहले भी लग रहा था कैसे वो बिल्कुल आसानी से लेकर घूम रहे थे, बट ऐसा था नहीं कि बिकॉज वो था ही इतना हल्का। उसके बाद अगर हम बात करें तो उस मैच में जैसे कि एक्सेवियर वुड्स ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे कि उन्हें चेस्ट फ्लट हो गई, बट एक्चुअली चेस्ट फ्लट नाम की कोई भी चीज नहीं थी, और सिक्योरिटी बिल्कुल भी उस मैच में नहीं आई, जबकि पता था कि वो वाले मैच में इतना सब कुछ हो रहा है तो सिक्योरिटी बिल्कुल भी बचाने के लिए नहीं आई। और जैसे वो एक्टिंग कर रहे थे एक्सेवियर वुड्स के उन्हें चेस्ट फ्लट हो गया, एक तो उनकी कनेक्टिंग पोजीशन ऐसे नहीं थी, उनके रिब्स पर डैमेज हो, रिब्स पर डैमेज होने के बिना चेस्ट फ्लट होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और मुझे नहीं पता वो क्यों एक्टिंग कर रहे थे ऐसी, और अगर चेस्ट फ्लट था तो क्यों इतनी देर तक एम्बुलेंस वाले जो कि बैठ के आराम से देख रहे थे कब ये जाएगा यानी कि WWE का जो कि टीवी और कब ऑफेयर होगा और कब हम इसे उठाकर लेके जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें जो कि काफी ज्यादा सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे ये लगी थी, WWE ने जो कि है अपने अनाउंसर्स का जितनी भी स्क्रिप्ट है वो अपडेट नहीं की, वो जितनी भी उनकी यानी कि स्क्रिप्ट थी वो पुरानी ही थी, इस वजह से बिल्कुल भी वो बोलने में हिचकिचा नहीं रही थे, बस वजह से वो मैच के बारे में बहुत कम मैच कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था पहले क्या होने वाला आया। बट इसी के बाद अगर हम बात करें मेनली तो काफी अच्छे तरीके से WWE ने शो संभाल लिया, बट मेन इवेंट के बारे में एक अच्छी बात मैं करूं तो मेन इवेंट की फाइट जो की थी वो फिर भी बहुत ज्यादा बेटर थी, हालांकि जो कि WWE के राइटर्स से उन्हें इतना टाइम मिल ही गया था मेन इवेंट तक कि वो एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख सके लास्ट के मैच के लिए, बट मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से वो केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन जैसे रेसलर्स को अच्छी तरह से समझ में नहीं आई थी, जिस वजह से कि वो बीच बीच में गड़बड़ कर रहे थे, बट जिस टाइम पर आकर जॉन सीना को सबने घेर लिया था आसपास से तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट मोमेंट थी मेन इवेंट की। और अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज के बारे में तो ओवरऑल WWE के जो कि है बैक स्टेज काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। अगर मैं बात करूं तो पहले क्या होने वाला था, जैसे अनाउंसर टीम है इसी के साथ साथ WWE में एक और टीम होने वाली थी जो कि रेसलमेनिया पर होती है, जो कि बैक स्टेज ली जैसे कि रेने यंग के साथ होती है, बट इस बार वो लास्ट मोमेंट पर आकर कैंसिल कर दी गई थी। तो मैं अगर बताऊं तो अगर WWE को लास्ट में यानी कि स्टार्टिंग में जो कि है वो बिल्कुल फेक न्यूज ना मिलती तो इस बार का जो कि हमें मैच देखने को मिलना था यानी कि पूरा पेपर व्यू जो कि फास्ट लेन का देखने को मिलने वाला था वो मैच बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला था, यानी कि इतना ज्यादा बढ़िया मैच होने वाला था शायद वो एलिमिनेशन चैम्बर को भी बहुत अच्छे तरीके से बीट कर देता, और कैमरा एंगल्स में भी इस बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत सारी जो कि मिस्टेक्स हैं ओवरऑल कवर कर ही ली होंगी, बट जो मिस्टेक्स आपको लगता है कि वो सही में मिस्टेक्स थी और ये वीडियो तक पहुंचनी चाहिए थी तो आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी जो कि मिस्टेक सबसे ज्यादा वैलिड लगेगी तो मैं आपका जो कि कमेंट है उसे पिन करूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, आज तक वीडियो देख ही ले तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं हूं हरमन।